वाक्यों का भेद पहचानिए, अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद पहचानिए। निषेधवाचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य मतलब इसके अंदर नेगेटिव वर्ड होंगे, विधानार्थक वाक्य इसके अंदर नेगेटिव वर्ड नहीं होंगे, सिंपल सेंटेंस रहेगा, असर्टिव टाइप। प्रश्नवाचक वाक्य यानी क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा, प्रश्न पूछे गए जैसे सवाल होंगे। विस्मयवाचक वाक्य इसके अंदर प्रश्न दिख जाएगा और इसमें एक्सक्लेमेशन दिख जाएगा। अज्ञातक वाक्य यानी इसके अंदर ऑर्डर वाला सेंटेंस, ऑर्डर रिक्वेस्ट या बैगिंग कर रहे, समझ गए वैसा। ये भी फुल स्टॉप, ये भी फुल स्टॉप, ये भी फुल स्टॉप, हिंदी में फुल स्टॉप ऐसा रहता है। और इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा और इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, अर्थ के आधार पर, अब इसके पहले जो कर रहे थे वो रचना के आधार पर, अभी जो टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पहचानिए। निषेधवाचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, अज्ञावाचक वाक्य। आई रिपीट, निषेधवाचक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस, विधानार्थक वाक्य पॉजिटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस, विस्मयवाचक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस यानी ऑर्डर रिक्वेस्ट। इसमें इसमें और इसमें फुल स्टॉप रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन। ये तो इजीली पहचान लेते हैं और ये भी इजीली पहचान लेंगे क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वर्ड होंगे, समझ है। इसके अंदर ऑर्डर रिक्वेस्ट ऐसे वर्ड रहेंगे और यहाँ पे विधानार्थक वाक्य सिंपल सेंटेंस। सो आई एम स्टार्टिंग विद चलो अभी देखो, अर्थ के आधार पर वाक्यों को भेद पहचानिए। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर नहीं, अर्थ, अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद पहचानिए। अनेक लोगों में श्रम करने की आदत नहीं है, अनेक लोगों में श्रम करने की आदत नहीं है। फुल स्टॉप आ रहा है, फुल स्टॉप वाले तीन टाइप है, तीन टाइप में ये नेगेटिव वर्ड है, नहीं आ गया, नहीं वर्ड आ गया तो अपन बोल देंगे निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट, अहिंसा द्वारा यह जटिल प्रश्न हल हो जाता है, अहिंसा द्वारा यह जटिल प्रश्न हल हो जाता है। फुल स्टॉप आ रहा है, फुल स्टॉप में तीन टाइप रहता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा है यानी निषेधवाचक नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर भी नहीं दे रहे, सिंपल बोल रहे अहिंसा द्वारा यह जटिल प्रश्न हल हो जाता है, यानी बोलेंगे विधानार्थक वाक्य। क्या बोलेंगे? विधानार्थक वाक्य। नेक्स्ट, क्या वह गंभीर बुनियादी सवाल है, क्या वह गंभीर बुनियादी सवाल है, क्वेश्चन मार्क, और ये सवाल पूछ रहे तो ये लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। इतना बड़ा सवाल दिख रहा है ना, क्वेश्चन का सिंबल, प्रश्नवाचक वाक्य। अरे बिना श्रम काम थोड़े ही होगा, अरे अरे वर्ड आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क वर्ड आ रहा है, तो बोलेंगे विस्मयवाचक वाक्य। अरे एक्सक्लेमेशन दिख गया ना, विस्मयवाचक वाक्य। कहो कविता कैसी रही, क्वेश्चन मार्क, कहो कविता कैसी रही, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आ कहता क्वेश्चन का सिंबल दिख रहा है तो बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। रात भर मुझे नींद नहीं आई, फुल स्टॉप। रात भर मुझे नींद नहीं आई, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के तीन टाइप है लेकिन इसके अंदर नहीं वर्ड दिख रहा है ना, नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, तो बोलेंगे निषेधवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे? निषेधवाचक वाक्य। सैकड़ों मनुष्य ने रूपा के यहाँ भोजन किया, सैकड़ों मनुष्य ने रूपा के यहाँ भोजन किया। फुल स्टॉप आ रहा है, फुल स्टॉप के तीन टाइप है। क्या इसके अंदर कोई ऑर्डर जैसा दिख रहा है, ऑर्डर दे रहा है नहीं। क्या नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, नहीं, नहीं तो कुछ भी नहीं ना, नेगेटिव वर्ड कोई भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है विधानवाचक वाक्य। क्या है ये? विधानवाचक वाक्य। सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। फुल स्टॉप दिख रहा है, फुल स्टॉप के तीन टाइप होते हैं। अब यहाँ पे देखो, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो, ऑर्डर दे रहे, आज्ञावाचक वाक्य। क्या है ये? आज्ञावाचक वाक्य। करामत मियाँ क्या बात है, खैरियत तो है? करामत मियाँ क्या बात है, खैरियत तो है, क्वेश्चन मार्क। बाकायदा सवाल पूछ रहे, खैरियत तो है, क्या बात है, खैरियत तो है, क्वेश्चन का सिंबल दिख गया ना, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। फुल स्टॉप आ गया, फुल स्टॉप के तीन टाइप है लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नहीं मतलब निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। मोहर छापा वाली धोती लेकर क्या करूंगा, मोहर छापा वाली धोती लेकर क्या करूंगा,
मोहर छापा वाली धोती लेकर क्या करूंगा, क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिख रहा है, क्या करूंगा, सवाल पूछ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य। ओके दैट्स इट।